दोस्तों अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो भैया बॉलीवुड के मेकर्स की बस यही कामना है कि भैया सरकार कब इस बात की घोषणा करे कि भैया इस दिन से सिनेमाघर खुल जाएंगे। यानी कि भैया कई मेकर्स अपनी फिल्मों को तैयार करके बैठे हैं बस इंतजार में कि भैया कब से सरकार ये घोषणा करेगी कि भैया हम इस दिन से अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में रिलीज कर सकते हैं। यानी कि भैया जब से लॉकडाउन हमारे देश में लगा था तब से भाई सिनेमाघर जो है वो पूरी तरीके से बंद है। अभी तो आपको पता ही है कि बाजार में थोड़ी सी छूट मिली है, यानी कि भैया कुछ सेक्टर्स को छोड़कर अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स पे रोक लगाकर रखी गई है और वो केवल लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर। तो दोस्तों इन दिनों पूरे बॉलीवुड की यही कामना है कि भाई सरकार ये तय करे कि कब से सिनेमाघर खुल जाएंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया बॉलीवुड के मेकर्स जो है वो अब दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अपने फिल्मों से कमाने का। यानी कि भैया बीच में ये खबर सबके सामने आई थी कि भैया दुबई में सिनेमाघर को खोल दिया गया है और वहां पर बॉलीवुड की तरफ से जो पहली फिल्म रिलीज हुई तो वो थी अंग्रेजी मीडियम, यानी कि इरफान खान की लास्ट फिल्म सिनेमाघर में रिलीज की गई दुबई में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉक्स ऑफिस के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन से और उसके साथ भैया बॉलीवुड के जबरदस्त एक्शन डायरेक्टर यानी कि रोहित शेट्टी से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों रोहित शेट्टी अपनी एक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लाने के लिए काफी ललायत है, यानी कि भैया उनकी ये फिल्म कब से बनकर तैयार है। इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है और इस फिल्म का एक रिलीज डेट जो है वो मार्च के महीने में ही पार हो गया। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं सूर्यवंशी का, जिसका इंतजार पूरी इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही है। लेकिन इसी बीच में भैया एक बहुत बड़ी खबर आई है अजय देवगन को लेकर के। भैया अजय देवगन अब एक बार फिर से न्यूजीलैंड में धमाका मचाएंगे गोलमाल अगेन से। यानी कि भैया बॉलीवुड से एक खबर निकल के आ रही कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स जो हैं वो अपनी सुपर डुपर हिट फिल्मों को वहां पर रिलीज करेंगे जहां पर सिनेमाघर को खोल दिया गया है। यानी कि भैया न्यूजीलैंड में एक बार फिर से अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि गोलमाल अगेन धमाल मचाने के लिए तैयार है। यानी कि भाई इस बात की जानकारी देते हुए रोहित शेट्टी ने यह बताया कि भैया गोलमाल अगेन एक बार फिर से न्यूजीलैंड में। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई न्यूजीलैंड में तो सिनेमाघर खुल चुके हैं, दुबई में खुल चुके हैं, लेकिन हमारे देश में कब सिनेमाघर खुलेगा और जब सिनेमाघर खुलेंगे तो भाई क्या ऑडियंस उसी मात्रा में सिनेमाघर में फिल्म देखने जाएगी जितनी मात्रा में पहले जाती थी। यानी कि भैया ये सवाल इन दिनों काफी गहरा है जिसको लेकर मंथन चल रहा है इन दिनों बॉलीवुड में कि भाई अगर सिनेमाघर खुलते हैं तो भाई नई फिल्मों को कितना मुनाफा होगा और उनको भाई वो मुनाफा कमाने के लिए, यानी कि जब बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती थी तो भैया 3 से 4 दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता था, तो भैया इस आंकड़े को पार करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कितने दिन इन फिल्मों को टंगे रहना होगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वॉर इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन मजाक बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज़ जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।